बच्चों, आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया। आप सोच रहे होंगे, मैडम वर्ब क्या होती है? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे आर यू एंड रन, रन मीन्स दौड़ना। तो रन से हमें पता चलता है कि कोई बच्चा रन कर रहा है, यानी दौड़ रहा है। ऐसे शब्दों को वर्ब या क्रिया कहा जाता है। आर यू एंड रन, दौड़ना, डब्ल्यू ए एल के बाद चलना, जे यू एम जम्प, पी जम्प कूदना, एफ एल वाई फ्लाई उड़ना, डी एंड डांस, सी ई डांस नाचना, एस डब्ल्यू आई एम स्विम तैरना, एस के आई पी स्किप रस्सी कूदना, एच यू जी हग गले लगाना, पी एल ए वाई प्ले खेलना, पी यू टी पुट रखना, एच ओ पी होप आशा करना। जैसे आप आशा करते हो ना कि हम फर्स्ट आएँ, या हमारे पास अच्छी अच्छी साइकिल हों, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छी अच्छी मिठाई खाने को, है ना। होप मीन्स आशा करना। जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो, ग्रो यानी उगना। उगने का मतलब जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो पौधा उग जाता है ना, तो ग्रो उगना। पी ओ यू आर पोर, पोर यानी डालना, या इसको परोसना भी कहा जाता है। जैसे आपकी मम्मी दूध के बर्तन से आपके गिलास में दूध परोसती है या डालती है, उसको बोलती हैं पोर। एम ए के ई मेक, मेक यानि बनाना। जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती है ना, मेक मीन्स बनाना। बनाना केला मत समझना, बनाना मतलब कोई भी चीज़ बनाना। एस ई टी सेट, सेट यानि रखना। कोई भी जैसे हम घर पे अपना सामान सेट करके रखते हैं, अपनी बुक्स, अपना बैग, उसको बोलते हैं सेट। जी आई वी ई गिव, गिव यानी देना। ओके अब इस वर्ब को आपको पढ़ना है, लिखना भी है और याद करना है, ठीक है। ओके बाय बाय बच्चों।